पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अंबेडकर साप्ताहिक शाखा द्वारा आयोजित कार्यक्रम न्याय व्यवस्था कैसे त्वरित सुलभ और कर्म खर्चीली हो विषय पर एक विचार गोष्ठी और पुस्तिका रोली चंदन का विमोचन कार्यक्रम संयोजक गोपाल टंडन ने कहा कि न्याय का अर्थ है समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे और तभी ये हो सकता है जबकि न्याय व्यवस्था त्वरित सुलभ और कम खर्चीली हो। साथ ही साथ न्याय व्यवस्था में समय सीमा भी तय होनी चाहिए। इसके लिए सरकार के साथ साथ न्याय के कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारी वादी प्रतिवादी अधिवक्ता गण और समाज के हर वर्ग को गंभीर होना आवश्यक है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि भारत भूषण शील प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता परिषद ने कहा कि कानून प्रक्रिया अधिक और तथ्यात्मक कम है। भारतीय दंड संहिता दंड प्रक्रिया संहिता व्यवहार प्रकृति संहिता और साक्ष्य अधिनियम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, हमने उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। परिणाम ये हुआ जो प्रक्रिया अपनाई गई उसे नहीं बदला जाएगा तो त्वरित न्याय की कल्पना ही असंभव है। पिछले साल भी पकड़े गए थे, फिर इस बार भी मैं कहीं दोबारा नहीं पकड़े गए। मैंने कहा साहब ये जो है तमंचा भी वही पकड़ा जाता है कि पिछले साल पकड़ा जाता है अगले साल वही, क्योंकि उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं है क्योंकि न्याय प्रक्रिया ऐसी है जमानत होकर के आ जाता है फिर वो वही व्यवसाय करता है। नकली दवाई बनाए चाहे नकली घी बनाए चाहे वो तमंचा बनाए उसका वही काम है, उसमें एक्सपर्ट है। तो इसलिए इस सब में ऐसा नहीं कि सारे सरकार कहेंगे, जो व्यवस्था आज भी है जो कानून व्यवस्था आज भी है उसके द्वारा भी त्वरित और सुलभ और सस्ता न्याय मिल सकता है। एक विषय बड़ा आश्चर्यजनक, एक व्यक्ति लोअर कोर्ट में उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है, हाई कोर्ट से वो साफ बरी हो जाता है। तो मेरा ये मानना है या तो एक कोई भी एक न्यायाधीश अक्षम था या भ्रष्टाचारी था, इसी कारण से वही व्यक्ति उसी टूप पर कैसे बरी हो गया या कैसे उसको उम्र कैद की सजा हो गई, ये सब चीजें जो है बहुत सोचनीय है। जहां मैं अपने से बड़े व्यक्ति को दंडित करा सकता हूं उन्हें न्याय प्राप्त हो जाए, तो चूंकि न्याय व्यवस्था का स्थान एक ऐसा जिससे सिर्फ और उसी से समाज में शांति रह सकती है, समाज में व्यवस्था बनी रह सकती है। यदि न्याय नहीं होगा लोगों को समय से न्याय नहीं मिलेगा, इतनी अपराध के फैसले की फट जाएगी देश में आदत फैल जाए। यहाँ अधिवक्ता लोग भी बैठे हैं और ऐसे विचारक और मनीषी लोग भी बैठे हैं जो कहीं ना कहीं राज को समाज को मार्गदर्शन देते हैं। राज के अब तो बहुत काम है लोक कल्याणकारी राज के लिए, लेकिन मुख्य रूप से राज जब से बना आज तक मेरे अपने विचार से और विचारकों के विचार से भी चार महत्वपूर्ण काम रहे जिनके बिना राज की को सही तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता। पहला काम है आंतरिक सुरक्षा, ये राज्य का पहला काम है। हम आप सब जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर सही बना रहे ये राज्य की पहली आवश्यकता।